आज लघु उद्योग भारती की जिला इकाई रायबली की वार्षिक 2020-2021 की द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत हुई, जिसमें सर्वसम्मत से सुरेश गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष, राजकमल अग्रवाल जी को महामंत्री व विजय रस्तोगी जी एवं महेंद्र गुप्ता जी को उपाध्यक्ष, गौरव अग्रवाल को कोषाध्यक्ष तथा नितिन गुप्ता को संयुक्त महामंत्री मनोनीत किया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि तहसील स्तर पर संगठन का विस्तार किया जाए, जिससे उद्यमों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उक्त बैठक श्री सुशील गुप्ता जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं सदस्य उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा आयोजन रोजगार आयोग के सचिव में की गई। बैठक का संचालन विनय शंकर शुक्ला के द्वारा किया गया। S7 की डेस्क रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस क्या चर्चा हुई, एक बार आप बता। लघु उद्योग भारती ये औद्योगिक संगठनों का पूरे देश का यह सबसे बड़ा संगठन है। उसमें रायबरेली इकाई जो है वो लघु उद्योग भारती का लघु रायबरेली इकाई का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और आज एक वार्षिक बैठक हुई है जिसमें हमारे इसमें कुछ कमेटी का गठन किया गया है। उसमें विजय रस्तोगी जी को वाइस प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया है और श्री महेंद्र गुप्ता जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, राजकुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी और नितिन गुप्ता जी हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी और गौरव अग्रवाल जी टेजरार हैं। ये कमेटी हमारी जो है वो औद्योगिक संगठन में जो समस्याएं आती हैं, औद्योगिक से संबंधित समस्याएं हैं, कोरोना काल में श्रमिक का जो पलायन हुआ है उसके संदर्भ में, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और सरकार की योजनाओं का भी जो है उद्यमियों को लाभ मिले और उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो, इसके लिए इसका हम लोग भरसक प्रयास करते रहते हैं। और उद्योग बंधुओं के माध्यम से, व्यापार मंडल के व्यापार बंधुओं के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण कराते रहते हैं। मंथली बैठक भी हमारी होती है और इसमें आज ये तय किया गया है कि हम लोगों ने प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को मंथली बैठक हम लोग करेंगे और उद्योग बंधु में और व्यापार बंधु में इसका समस्याओं का निराकरण के लिए व्यापारियों की समस्याओं का प्रयास किया जाएगा। श्रमिकों का जो विस्थापित हो, बेरोजगार जो श्रमिक आए हैं, उनको भी हम लोग जो है अपने अपने उद्योगों में जहाँ जहाँ भी हमारे उनके लायक जाप होगा उसको हम लोग दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक हम कुछ लोग आए हैं हम लोगों के पास जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको हम लोग समायोजित कर रहे हैं। देखिए, लघु उद्योग भारती में जो ये संगठन है, उद्योग की जितनी भी समस्याएँ आती हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत सी समस्याओं का हल निराकरण और जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जैसे MSME पे इस वक्त जो योजनाएं आई हुई हैं उसका डिटेल जो है आम लोगों तक पहुंचाना और उसके फ़ायदे और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको उठा के जो है सबसाइड कराना काम है। अभी वर्तमान में इंडस्ट्रियल एरिया इसका जो है प्रपोजल जो है दिया गया, DM के सामने रखा गया कि बहुत रोडें ख़राब हैं, उस पर कार्रवाई भी किया, DM ने भी इस पर कार्रवाई भी किया। ये कार्यक्रम तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका तो टॉप प्रायोरिटी पे एजेंडे में ही था यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे और मास्क लगा के आएंगे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस किसके बारे में आप जानकारी दें? ऐसे है, लघु उद्योग भारती एक अखिल भारतीय संगठन है जो कि पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है। कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जैसे नागालैंड, मणिपुर, इनको छोड़कर बाकी सब जगह लघु उद्योग भारती की उपस्थिति है प्रांत स्तर पे। उसके बाद लगभग 400 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लघु उद्योग भारती काम कर रहा है। उसी कड़ी में जो रायबरेली की ये पुरानी हमारी इकाई है, ये काफ़ी एक्टिव है और इसको और डायनामिक और एक्टिवेट करने के लिए और जो नई योजनाएं इस कोविड के कारण चैलेंजेस आए हैं उसकी डिस्कशन के लिए, किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स को पुनः खड़ा कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट वो बंद ना हो बल्कि वो और आगे बढ़े, इस निमित्त क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उस सब चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श हुआ और उसमें कुछ डायनामिक और एनर्जेटिक
ऑफिस बेरस को भी जोड़ा गया, जो कि कई चीज़ों से जैसे आईटी वगैरह इन सब चीज़ों से जिनको अच्छा ज्ञान है और वो सफल उद्यमी हैं, ऐसे सब लोगों को कुछ लोगों को जोड़कर इस इकाई को और वाइब्रेंट और डायनामिक बनाया गया है।